बाहर के मुल्कों में फंड रेजिंग भी यूनिवर्सिटी उन्हीं लोगों के जरिए करती हैं कि अगर एक एक यूनिवर्सिटी की टीम है और लोगों की कम्युनिटी की अटैचमेंट होगी उसके साथ तो वो लोग क्राउड फंडिंग करते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बड़ा अजबूदा कॉन्सेप्ट है और वेस्ट में बड़ा प्रेवलेंट है, लेकिन पूरे सीजन में मेरा ख्याल है क्रिकेट सीजन है सबसे पहले क्योंकि सबसे पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है, तो वो स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह संडे को और पंजाब यूनिवर्सिटी और बीजेडयू, सॉरी सैटरडे को, और बीजेडयू और पंजाब यूनिवर्सिटी का पहला मैच है, बिग नाइन उनकी लीग है, और दूसरा कनेड कॉलेज और लाहौर कॉलेज वोमेन यूनिवर्सिटी का मैच है जो उनके ग्राउंड से होगा, कनेड कॉलेज ग्राउंड से। तो ये वुमेन का भी होगा, मेन का भी होगा, और अभी तीन स्पोर्ट्स हमने फौरी तौर पर स्टार्ट करवा दी हैं जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल और एथलेटिक्स, और उसके बाद इंशाल्लाह बाकी तमाम स्पोर्ट्स हॉकी समेत वो अपने कैलेंडर में ऐड करते जाएंगे जो फैसिलिटीज जिसकी अवेलेबल होंगी। तो ये एक इनिशिएटिव इंशाल्लाह फौरी तौर पर होने जा रहा है। दूसरी, अक्सर लोग पूछ रहे हैं आजकल स्टूडेंट यूनियंस के बारे में, क्योंकि सेनेट की करारदाद भी आई थी, एक हमने टीम बना दी है उसके लिए, कमिटी बना दी है। स्टूडेंट यूनियंस का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स में जब यूनिवर्सिटी लाइफ से ग्रूम होकर उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ये नर्सरी खत्म इसलिए हो गई है कि इसको एक नेगेटिव तरीके से हमने, और इसमें सियासतदानों का कसूर सबसे ज्यादा था,